नक्सलियों से संबंध के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रोफेसर साई बाबा समेत पांच अन्य को कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। आपको बता दें कि अदालत ने मार्च 2017 के गढ़चिरौली सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ जीएन साई बाबा द्वारा दायर याचिका अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें गुरुवार को बरी कर दिया। डीयू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को गढ़चिरौली की एक अदालत ने नक्सलियों के साथ संबंध रखने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शरीर से तकरीबन 90% विकलांग साई बाबा शुरू से ही आदिवासियों जनजातियों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। 2014 में उन्हें नक्सलियों के समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अखिल भारतीय पीपल्स रेजिडेंस फोरम के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कश्मीर और उत्तर पूर्व में मुक्ति आंदोलनों के समर्थन में और आदिवासी अधिकारों के लिए प्रचार करने के लिए 2,00,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। नागपुर में उन्हें अंडा सेल में 14 महीनों तक रखा गया था। आपको बता दें कि ये वही अंडा सेल है जहां कसाब को कैद करके रखा गया था। इस सेल को देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। आखिरकार मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साई बाबा और अन्य पांच को बरी कर दिया। आज जो रिजल्ट आया है हाईकोर्ट में, हम उसको वेलकम करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, हिस्टोरिक रिजल्ट है। और जो भी इस केस में चला है वो बेसिकली जो साई बाबा के अगेंस्ट था कि सैंक्शन नॉट प्रॉपर है, सीजर नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर कोर्ट ने कंसीडर किया है हमारे पॉइंट्स को और बहुत ही अच्छे से जस्टिस दिया है हमको। इसके लिए हम बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं इस जजमेंट का। और मैं इस टीम का जैसे एक हिस्सा था, मैं और प्रदीप सर और बाकी होल टीम, निहाल सर, वरुण सर, लिंगायत सर, सब ने इस पे अच्छे से वर्क किया है, पूरी टीम ने वर्क किया है और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। आपको बता दें कि स्थाई साई बाबा के अलावा पांच अन्य को भी बरी कर दिया गया है। इन लोगों को साल 2017 में माओवादियों से संबंध रखने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।